रिजल्ट सही रहा भाई, रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि पड़ोसियों को खिला दी। अच्छा, और जो उसकी लागत थी वो अपने वो लागत देकर चली गई। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक किसान ही ऐसा है भाई जिसका दिल बड़ा है। हाँ, अपने उसे कोई देखो मना नहीं है, उसमें हम भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, और जो रिश्ते नाते वाले हैं वो भी सब उसी के। बिल्कुल। और एक बात और जी, का जी तो जी, आपने जैसा ये गन्ना बो रखा भाई जी, ये सिंगल बर्ड का बो रखा है या ऐसे ही पांड का ही बो रखा जी? नहीं 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 नहीं, और सिंगल बर्ड का। सिंगल बर्ड का जी। मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि भाई बचत होने चाहिए, मतलब लागत कम हो, बचत ठीक। हाँ, मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फार्मिंग सोच किसान की में। और मेरे भाइयों, आज हम पहुँचे हैं जिला सहारनपुर के गांव बीडवी में। भाई बीडवी का शुगर मिल भी प्रसिद्ध रहा अपने टाइम में, ऐसी बात नहीं। और ये देखो, जैसा आप देख रहे हैं, ये जो भैया जी हैं, भाइयों आज जैसा आप देख रहे हैं, देखो सैफ असली मो, ये अलग अलग मॉडल से खेती कर रहे हैं देखो भाई जी। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो इन्होंने आलू भी लगा रखे, गज्जर भी लगा रखी, गन्ना भी वो रखा, सारी चीजें कर रहे हैं। और सबसे पहले भैया जी का परिचय लेंगे। नमस्कार जी भैया। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। किसान भाइयों को थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दो, आपका गांव। जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम मोहित कुमार जी, गांव बीडवी, जिला सहारनपुर। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब, ये बताओ, जैसा आप ये सह फसली कर रहे जी, तो ये आप कितने समय से कर रहे जी? भाई सह फसल का जो ये है, इस तरह का मॉडल जी, इस तरह का मॉडल। हाँ, ये तो मैंने शुरुआत ही की है। अच्छा, पर इससे पहले मैं एक फसल ले चुका था। अच्छा जी। वो काफी टाइम हो गया। अच्छा। उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि मुझे खेती छोड़ के वापिस कहीं जाना पड़ा जॉब के लिए। अच्छा जी। अच्छा जी जी। तो जब मुझे उसमें थोड़ा सा फायदा लगा, तो अब की बार मैं जॉब छोड़ के वापस अच्छा। अपने पुनः इसी में आके आया हूँ जी। क्योंकि दादाजी कह रहे थे एक बार कि भाई किसी का नौकर बनने से अच्छा तो यह है कि हम एक छोटा सा मालिक बन के रहें। बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो अपना ये देखो भाइयों, इधर इधर आ जाइए, इधर देखो, ये अपना गज्जर लगा रखी है और गन्ना भी है जी। जी जी, ये देख। अच्छा जी, देखो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा जमा हुआ रहा, गजब का जी। तो जी, आपने जैसा ये गन्ना बो रखा भाई जी, ये सिंगल बर्ड का बो रखा है या ऐसे ही पांड का ही बो रखा जी? नहीं नहीं नहीं, और सिंगल बर्ड का। सिंगल बर्ड का जी। मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि भाई बचत होनी चाहिए, मतलब लागत कम हो, बचत ठीक। हाँ, मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। अच्छा जी, ये बर्ड से बर्ड की दूरी कितनी रखी भाई जी आपने? बर्ड से बर्ड की दूरी 1 फीट है भाई मेरी। अच्छा जी जी। और कौन से महीने में लगाया था जी आपने? भाई ये मैंने लगाया था अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर के लास्ट में जी। और गाजर भी अपनी बैड पर जभी लगा दी थी जी, तभी। बल्कि गाजर अभी है, और मूली की और आलू की हार्वेस्टिंग मैं कर चुका हूँ। अच्छा जी जी। तो जैसा मूली उधर थी, देखो किसान भाइयों, मूली उधर थी। तो जी, मूली आपने जैसा करी है, तो थी तो थोड़ी लाइन, उसका भी रिजल्ट सही रहे? हाँ, रिजल्ट सही रहे भाई, रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि पड़ोसियों को खिला दी। अच्छा। और जो उसकी लागत थी वो अपने वो लागत देकर चली गई। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक किसान ही ऐसा है भाई जिसका दिल बड़ा है। हाँ, अपने उसे कोई देखो मना नहीं है, उसमें हम भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, और जो रिश्ते नाते वाले हैं वो भी सब उसी के। बिल्कुल। और एक बात और जी, किसान का माल गन्ना भी ऐसा भी ऐसे खेत में पड़ा रहा है, उसका हाँ, दिल बड़ा हो बहुत। जी जी जी। और जो जीव जंतु हैं, जानवर में भी उसी के जुम्मन हैं सब, वो सब वही पेट भरता है सब। बिल्कुल। जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनका खर्चा भी उसी के जुम्मन है जी। सही कह रहे। तो ये जी, आपने गन्ना जो है कितनी से कितनी दूरी पर लगा रखा भाई जी? भाई गन्ना है मेरा जी, जो लाइन से लाइन की दूरी है जी, गन्ने से गन्ने की दूरी जी, ये जी, ये तो है 2.5 फीट। अच्छा जी, 2.5 फीट जी। और जो अच्छा। इसके बीच में मेरा ये है कि भाई जितनी ज्यादा सह फसल होगी और किसान की आय बढ़ेगी जी, तो उसके लिए मैंने इसकी दूरी थोड़ी बढ़ा दी थी जी। ये है लगभग अप्रोक्स जी 8 फीट। 8 फीट। हाँ। अच्छा, ये इधर अपना 8 फीट जी जी है, वो भी 8 फीट ही बस। अच्छा, वो इधर इसलिए लेके आया हूँ कि उधर गाजर का जो है वो जी, उसमें दूरी सही दिखती नहीं, तो अच्छा। ये लगाई है मैंने 8 फीट। अच्छा जी, ये देखो जी। और ये जो बीच में खुड़ी है 2.5 फीट। हाँ। और फिर 8 फीट जी जी, फिर 2.5 फीट जी। अच्छा भाई जी, इसमें आपने ये क्या लगाया हुआ था इसमें? भाई इसमें मैंने लगाया था आलू। अच्छा। और जो उसकी किस्म थी वो थी पुखराज। अच्छा, पुखराज लगाया था। पुखराज लगाया था। तो ये कितने दिन की फसल में तैयार होगा था जी आपका आलू? आलू लगभग मैंने जो उसकी हार्वेस्टिंग की थी वो लगभग ये कर दी थी मैंने 20-22
हाँ 22 नवंबर के समथिंग, 22 नवंबर मतलब 4 सितंबर को लगाया था। कितना दिन का तैयार, कितना दिन का तैयार ले लिया अपना आलू, बस ये बताओ आप। सितंबर अक्टूबर 60 दिन, नवंबर ये 70-80 दिन, 90 दिन में मैंने इसकी खुदाई कर दी थी क्योंकि रेट बहुत अच्छा था। अच्छा जी जी, तो भाई जी ये आपका कितना होगा ये प्लाट जिसमें आपने आलू आलू लगाए थे गन्ने के साथ? भाई ये तो है जहाँ हम खड़े हैं, ये तो है 2 बीघा, इसके अलावा और प्लॉट है, इसमें गाजर भी थी और मूली भी और आलू भी। अच्छा जी जी, और फिर भी इसमें मेरे 20 गट्टे का अप्रोक्स हो गया था। तो 20 कट्टे जो हम ये देख रहे हैं जहाँ पे 8 फीट वाली दूरी है, 20 कट्टे इसमें हो गए थे जी। जी जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा रेट भी ठीक ही मिल गए होंगे भाई जी उस टाइम। भाई रेट जो सबसे अच्छा लगा मेरा, जब पहली बार मार्केट गया तो 1250 रूपए पर कट्टा लगा। हाँ तो 25, ये तो बहुत बढ़िया रहा जी। और जैसे जैसे आप और हमारे की तरह और किसान आते गए तो रेट थोड़ा डाउन हो गया, मतलब फिर भी आगे तक खुदा था आपका। जी जी, 700 के अबव तो नीचे तो आया ही नहीं रेट। अच्छा जी, भाई फसल आगे इतनी बेचने का फायदा है। बिल्कुल सही कह रहे, और जैसा हम गन्ना का सोच के चल रहे, गन्ना भी अच्छे रिजल्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, गन्ना तो इंश्योरेंस है इस फसल का, और इसकी लागत में गन्ना तैयार होगा, जो हम लागत अगली से फसल में देंगे जी जी, उससे हमारा गन्ना तैयार होगा, गन्ने से तो हमें कुछ देना ही नहीं। अच्छा भाई जी एक बात और बताओ, जैसा भी ये आलू का खल्ली होगा, अब इसमें क्या लगाओगे वैसे ज्यादातर? भाई आलू का मैं नई विधि से सोच रहा हूँ, जैसे देखा भी है इजराइल की तरह जी, मैं इसके बैड बनाऊंगा। अच्छा बैड तैयार, और बैड के ऊपर गेहूं की बिजाई करूंगा मैं इसमें। अच्छा अब गेहूं की तैयारी जी, जैसे ये थोड़ा सूख जा खेत, बोने लायक हो जा, हाँ हाँ हाँ, तो जब इसमें फिर गेहूं करोगे? जी बिल्कुल, वो बैड से तैयार करूंगा। वैसे एक मेरा दूसरा खेत है जी, उस पे मैंने उसकी बुआई कर भी दी है, बल्कि उसमें कल पानी लगेगा। अच्छा जी जी, तो देखो किसान भाइयों, ये तो आप इनका ये आलू खुदाई के बाद अब बैड वो लगाओगे, और एक खेत और इनका ही बराबर में ही, उसे देखते हैं आओ, उसमें इन्होंने गेहूं तैयार कर रखे। आओ भाई जी वो भी दिखाओ एक बार, दूसरे खेत पर चल रहे भाई, ये देखो अभी भाइयों, देखो साफ फसली में, देखो ये देखो पर इसी डोल में लगा हुआ, देखो भाई जी ने इधर मूली थी भाई, ये निकाल दे दे, बढ़िया वाली मूली हो रही थी जी तैयार। ये तो सबसे छोटी है भाई। अच्छा जी, ये बस छोड़ दी थी। अच्छा जी, ये कच्ची काट वाट का कहीं छोड़ रखी जी है ये भाई, जब आप जैसे आ गए गाँव के। अच्छा जी, तो वो निकालने लगे तो तब इसमें पानी नहीं था, और जैसे ऊपर सूखा था खेत, हाँ तो वो टूट गई। अब देख लीजिए मूली, मूली का साइज बढ़िया जी, इससे भी बड़ी थी, सबसे छोटा साइज समझ लो इसे आप। बहुत बढ़िया जी, तो मूली भी गज्जर भी और आलू भी जी एक ही खेत में थे हैं जी। ये देखिए, देखो भाइयों कितनी जबरदस्त, ये देखो कितनी कितनी साइज, देखो हैवी है जी काफी। अच्छा भाइयों, इस खेत का भी वीडियो मिला अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका भी वीडियो आपको पूरा देंगे जानकारी के साथ में। भाइयों भाइयों कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।